चले दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, एक राइटिंग स्किल हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, ये किस तरह से करना है, कैसे करना है, जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो यहाँ सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सेम जैसे डेवलपिंग अ स्टोरी होता है, वैसे ही नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस भी होता है दोस्तों। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वास्ट डिफरेंस नहीं है। जैसे बिगनिंग वर्ड्स और एंडिंग वर्ड्स, जैसे एक बिगनिंग लाइन दी होगी या फिर एंडिंग की लाइन दी होगी, अब वो उसी चीज़ को, उसी लाइन को क्या देख के आपको क्या करना होगा, इमेजिन करके पूरा जो एक्सपीरियंस हो वो नरेट करना होगा। अब जो सीक्वेंस होना चाहिए इसमें भी मेंटेन किया जाना चाहिए। जो भी अपना एक्सपीरियंस लिखोगे, बेसिकली एक स्टोरी ही लिखोगे आप, आपका जो एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस किया तो उसके एक स्टोरी फॉर्मेट में ही लिखोगे, तो वो क्या एक सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है आपको। फिर उसके बाद शॉर्ट होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। चार पांच पैराग्राफ नहीं, छोटी सी लिखनी है आपको। और फिर लास्ट में टाइटल देना भूलना मत। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, तो देखिए ये एक आपका नरेट एंड एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स बिगनिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। स्टार्टिंग का लाइन दिया गया क्या, इट वॉज संडे एंड आई वॉज इंजॉइंग द लेटेस्ट मूवी इन द थिएटर विद माय पेरेंट्स। क्या संडे था और मैं क्या अपने पेरेंट्स के साथ क्या थिएटर में मूवी मस्त इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, टाइटल दिया है। अब टाइटल के बाद उनका एक्सपीरियंस क्या था, ये देखो यहाँ सारी चीज़ें, पहली लाइन जो थी वो लिखी गई, द फिल्म वॉज थ्रिलर विद द प्लेंटी ऑफ कार क्रैशेस। यहाँ पे देखो सीधा सीधा सारी चीज़ें लिखी गई, ज्यादा नहीं, देखो एक दो तीन और एक पैराग्राफ, ज्यादा था तीन या चार लाइन का, और से ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो सारी चीज समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सारी चीजें फॉलो की तो एग्जाम में आपको इस टॉपिक के लिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों।